वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अनेक शब्दों के बदले आने वाले शब्दों को वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है, आज उसी पे आधारित हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। बच्चों, यहाँ मैंने कुछ वाक्य लिख रखे हैं और आपको बताना है कि उनके लिए एक शब्द क्या होगा, उस पर हमको सही का निशान लगाना है। और हर एक के सामने हमने दो दो शब्द लिख रखे हैं। ठीक है, आपको बताना होगा उसके लिए सही शब्द कौन सा होगा। ठीक है, जैसे जो जूते ठीक करता है उसे हम क्या कहते हैं? बच्चों, जो हमारे जूते को संभालता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोची। ठीक है, धोबी तो बच्चों कपड़े धोता है ना, तो हमने क्या करा? मोची पर सही का निशान लगा दिया। अगला देखिए, जो खेती करता है। अब जो खेती करता है क्या वो गायक होगा? नहीं, क्या होता है? किसान। किसान हमारे लिए अन्न उगाता है, गायक तो गाना गाता है बच्चों। ठीक है, अगला देखिए, जो सेना में काम करता है उसे हम क्या कहेंगे? डाकिया। नहीं, डाकिया तो पत्र बांटता है, बल्कि जो सेना में काम करता है उसको हम सैनिक कहते हैं। ठीक है, तो सैनिक पर हमने सही का निशान लगा दिया। अगला देखिए, जो पढ़ाता है उसे हम क्या कहेंगे? अध्यापक, है ना। जो पढ़ाता है उसे हम कहेंगे अध्यापक, और जो पढ़ता है वो होता है विद्यार्थी बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे माली लिख रखा है, माली तो हमारे बगीचे की देखभाल करता है। ठीक है, तो ऐसे ही और भी वाक्य होते हैं, आपको सोचना है कि उनके लिए एक शब्द क्या बनेगा। धन्यवाद।